हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल नॉलेज बाय रूल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर चेक बाउंस के केस में अब एक्यूज चेक पे अपने सिग्नेचर एडमिट कर लेता तो क्या होता है, और क्या इसमें ये मान लिया जाता कि उसने उसकी पेमेंट देनी है कंप्लेनेंट की, और या फिर ये मान लिया जाता है कि उसकी लाइबिलिटी या डेब्ट बनता कंप्लेनेंट के ऊपर। और दोस्तों जो हम इसमें दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक्यूज अब चेक पे अपने सिग्नेचर को अगर एडमिट कर लेता है तो इससे क्या 138 का जो चेक बाउंस का ऑफेंस है वो प्रूव हो जाता है, और अब सिर्फ क्या एक्यूज के सिग्नेचर एडमिट करने के बाद चेक पे वो ऑफेंस प्रूव हो जाता है और कंप्लेनेंट को और कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता अपने केस में। और दोस्तों जो हम इसमें तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक्यूज अपने सिग्नेचर को एडमिट नहीं करता तो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर एक्यूज सिग्नेचर को एडमिट कर लेता है चेक के ऊपर, तो दोस्तों इसमें जो कोर्ट है वो अंडर सेक्शन 118 NI एक्ट के अकॉर्डिंग ये मान के चलती कि इसने जो चेक दिया है वो डेब्ट और लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया है, और जो इसने चेक दिया है ये डेब्ट और लाइबिलिटी को उतारने के लिए ही दिया है। पर दोस्तों जो ये प्रजम्पशन ली जाती है कोर्ट के द्वारा, इसको एक्यूज के द्वारा रिबट किया जा सकता है, वो प्रूव कर सकता है अपने किसी फ्रेंड्स को रिलेटिव को बुला के कि ये जो चेक लिया गया ये धोखे से लिया गया है, या फिर ये सिक्योरिटी चेक है, या फिर ये इसने मारपीट करके चेक लिया है, या फिर ये चेक गुम हो गया था इसने यूज कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। और दोस्तों जो ये पॉइंट डिस्कस किया गया था उस जजमेंट का नाम है के भास्करन वर्सेस शंकरन विद्यान बालन। तो दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर एक्यूज सिग्नेचर को एडमिट कर लेता है तो क्या उसका ऑफेंस प्रूव हो जाता है 138 के अंदर, और कंप्लेनेंट को किसी और चीज को प्रूव करने की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों अगर एक्यूज अब अपने सिग्नेचर एडमिट कर लेता है चेक के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफेंस प्रूव हो गया है और कंप्लेनेंट को अब और कुछ चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें कंप्लेनेंट को सारी चीज प्रूव करनी होती है कि पैसे कैसे दिए थे और कब दिए थे, किसकी प्रेजेंस में दिए थे, या फिर चेक के थ्रू दिए थे, या फिर RTGS किया था, या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दिए थे, या फिर क्या सामान लिया था, किस सामान के लिए इसने चेक दिया है, उसको लाइबिलिटी उसकी प्रूव करनी होती है। और ये भी चीज उसमें प्रूव करनी होती है कि ये जो नोटिस दिया था इसको एक्यूज को वो टाइम पे दिया था, और जो कंप्लेंट फाइल की है वो भी टाइम पे फाइल की गई है। और दोस्तों जिस जजमेंट में ये पॉइंट डिस्कस किया गया था उस जजमेंट का नाम है जिमनी वर्सेस चंद्रन। तो दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सिग्नेचर को एडमिट नहीं करता एक्यूज तो क्या होता है। तो दोस्तों इसमें कंप्लेनेंट एक एप्लीकेशन लगाता कोर्ट में उसके सिग्नेचर को वेरीफाई कराने के लिए। तो अगर अब कंप्लेनेंट की वो एप्लीकेशन अलाउड हो जाती है सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए, तो अब एक्यूज से सिग्नेचर लिए जाते हैं 10-20-30 पेजों पे। तो दोस्तों अब वो सिग्नेचर वेरीफाई होने के लिए CFSL या FSL रिपोर्ट के लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब जो रिपोर्ट आती है FSL या CFSL की, तो उसमें पता चल जाता है कि ये सिग्नेचर जो है एक्यूज के हैं या नहीं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो ये बताते हैं कि एक्यूज अगर चेक बाउंस के केस में सिग्नेचर को एडमिट कर लेता है तो क्या होता है, और सिग्नेचर को अगर एडमिट नहीं करता तो क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। तो दोस्तों एक बार एक टीचर स्टूडेंट से पूछता कि 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 15 अक्टूबर हमारे भारत में बहुत फेमस दिन है, ऐसा क्यों है। तो इस पे स्टूडेंट कहता कि 1 अक्टूबर को जो गांधी जी की माता थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो टीचर कहता कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ था फिर। तो इस पे स्टूडेंट कहता कि 15 अक्टूबर को गांधी जी की पंजीरी आई थी। टीचर कोमा में है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।